हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है काफ़ी मानने में महत्वपूर्ण है, राजनीतिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम बात अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि राजनीतिक संगठन कैसी थी उस समय। राजनीतिक संगठन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि आज आधुनिक युग में एक राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद, तो ये राजनीतिक संगठन हुआ। उसी तरह से ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का संगठन था, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का आधार परिवार होता था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का आधार परिवार होता था और परिवार का वरिष्ठ सदस्य उसका प्रमुख होता था, जिसे हम कुलपति कहते थे या उसको गृहपति भी कहते हैं। यानी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को हम कुलपति या गृहपति कहते थे। कई परिवार में एक ग्राम बनता था, कई परिवार से एक ग्राम बनता था और इसके मुखिया को ग्रामणीय कहते थे। यानी कई परिवार मिलके एक ग्रामीण बनता था और इसके मुखिया को ग्रामणीय कहते थे। एक ग्राम अंतरिक्ष एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र होता था और बहुत से ग्राम मिलके एक विश्व बनते थे। यानी बहुत से ग्राम मिलके एक विश्व बनता था जिसका मुखिया होता था विश्वपति और उसको विश्वपति कहलाता था। विश्व के समूह को जन कहते थे, इसके मुखिया को राजन कहते थे। तो आपको समझ में आया कैसे बात चली? परिवार होता था तो परिवार के वरिष्ठ मुखिया को, प्रमुखों को हम कुलपति कहते थे। और कई परिवार मिला के, कई परिवार मिल जाते थे आपस में तो ग्राम बनता था और जो उसके मुखिया को ग्रामीण कहते थे। और बहुत सारे ग्राम मिलके जो है एक विश्व बनता था, बहुत सारे ग्राम मिलके एक विश्व बनाता था और विश्व को, मुखिया को हम विश्वपति कहते थे। और बहुत सारे जो है विश्व यानी ग्रामीण को जो विश्व बनता था, बहुत सारे विश्व बन के समूह को हम जन कहते थे और इसके हम राजन कहते थे। तो आप समझ सकते हो क्या बात यहाँ कहा गया। देखिए, आज के समय में इसके अनुसार हम समझते हैं, आपका परिवार है, परिवार में जो बड़ा होगा वो मुखिया कहलाएगा, यानी इसको हम कुलपति कहेंगे। जब आप ही के क्षेत्र में 5-10 परिवार हो, 20-25 परिवार हो, सबको अगर मिलाते हैं, सब पे कंट्रोल रखा जाता है तो एक ग्राम कहलाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि आपका कोई क्षेत्र जहाँ पर कई परिवार रहते हैं तो उस क्षेत्र में कौन चुना जाता है, कौन चुना जाता है बताइए? उस क्षेत्र में आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, आपने देखा होगा उसको क्या कहते हैं हम, तो हमको क्या कहते हैं, काउंसलर। काउंसलर आपके क्षेत्र में चुने जाते हैं तो वो हर एक घर का जो है, हर एक क्षेत्रों का जो है, अपने क्षेत्र का पूरा प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत काउंसलर जो होता है एक पूरे क्षेत्र का होता है। यानी एक क्षेत्र है उसके काउंसलर होता है जो चलाता है, जिसे हम उस समय ग्रामीण के हिसाब से जानते थे, उसको आज हम काउंसलर कहते हैं, उस समय ग्रामीण कहते थे। जब बहुत सारे काउंसलर मिल जाता है तो कौन बनता है, एक बहुत सारे काउंसलर मिला के एक मेयर बनाता है उस क्षेत्र का, बनता है ना मेयर, उस क्षेत्र का कौन बनता है, मेयर बनता है, जिसे आप विश्व कह सकती हो। और बहुत सारे क्षेत्रों के मेयर बन के मिल के जो है मुख्यमंत्री का निर्माण करता है, तो उसे हम राजन कह सकते हैं उस क्षेत्र का। यानी मुख्यमंत्री को राजन कह सकते हैं। तो ये बात आपको क्लैरिटी आ गई होगी, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है, राजा की स्थिति। राजा की स्थिति उस समय क्या थी राजनीतिक जीवन में? ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत राजा राज्य का प्रमुख होता था, जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, लेकिन यह निरंकुश नहीं था, उसे राजा धर्म के अनुसार शासन चलाना पड़ता था और सभा व समिति नामक परिषद तथा मंत्री परिषद की सलाह अनुसार कार्य करना भी पड़ता था। ये महत्वपूर्ण बात है कि सभा व समिति नामक परिषद तथा मंत्री परिषद सलाह अनुसार
कार्य करना पड़ता था। अब देखिए, मैंने आपको राजनीतिक संगठन के बारे में बताया, अब राजा की स्थिति, जैसे कि आपको पता है कि भारत के जैसे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान आ गया। सभा और नामक परिषद और मंत्री परिषद के सलाह अनुसार कार्य करना पड़ता था। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री भी जो है हमारे अभी क्षेत्र में जो है सलाह मशवरा मंत्री परिषद लेते हैं या राष्ट्रपति भी लेते हैं। उसे अपने पिता के राज गद्दी प्राप्त होती थी, ये उस समय अलग प्रावधान थी कि पुत्र के बाद जो है उसके पुत्र को मिलता था, यानी देखा जाए पिता के बाद पुत्र को। लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है, आज भारत जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पर हम जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं इनडायरेक्ट तौर पे जो है हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी होते कहीं ना कहीं जनता का फैसला ही होता है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और देखा जाए तो उस समय जो राजा होता था उसका पुत्र ही जो है आगे शासन संभालता था। यदि वह राज्याभिषेक के समय ली गई प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शासन नहीं करता था तो लोग उसे निष्कासित कर नए राजा का चुनाव करते थे। लेकिन वो भी या तो उसका भाई होता था या उसी का कोई रिश्तेदार होता था। तो ये प्रबंधन उस समय की गई थी। राजा एक शानदार महल में रहता था, सुंदर व कीमती वस्त्र पहनता था तथा उसकी सेवा के लिए अनेक सेवक होते थे। उसे प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का विजय प्राप्त करने वाला माना जाता था और वह लोगों पर कर लगा सकता था तथा लोग उसे प्रशासन चलाने के लिए उपहार भी देते थे। और युद्ध के दौरान प्राप्त धन संपदा का बड़ा भाग राजा को मिलता था। तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजा के कर्तव्य। राजा के अनेक कार्य थे, उसे एक शक्तिशाली सेना का संगठन करना पड़ता था जो कि योग्य व सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध के समय शत्रुओं को लड़ सके और जनसाधारण की रक्षा कर सके। उसे राज्य में शांति कानून व्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी और उसे लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा भी करनी होती थी। उसे जन के सभी लोगों के सामान्य न्याय प्रदान करना पड़ता था और उसे राज्याभिषेक के समय कई शपथ ग्रहण भी करना पड़ता था। जैसे अगर लोगों के हितों में कार्य नहीं करूँगा तो मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और इस तरह के वैदिक काल में राजा मनमानी नहीं करते थे बल्कि प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। राजा का पद वंशागत नहीं होता था बल्कि आजकल के लोकतंत्र की भांति लोगों के इच्छा अनुसार होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो यहाँ पर जो राजा का पोजीशन होता था वो वंशागत नहीं थी, कहीं हद तक देखा जाए तो लोकतांत्रिक थे, लोग जिनको चाहो उसको राजा बना सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद तथा राजा। देखिए, राजा प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। राजा के प्रशासनिक मसलों में सहायता करने वाले मुख्य राज्य अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामनीय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मंत्री परिषद तथा राजा, यानी राजा के प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। राजा के प्रशासनिक मसलों में सहायता करने वाले मुख्य राज्य अधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी होते थे। जब कोई राजकुमार राजा बनता था तो उसे जो रत्न हविस नामक आयोजन में भाग लेना होता था और इस अवसर पर उसे जो है सभी रत्नों यानी विद्वानों की उपस्थिति में कर्तव्य संबंधित बहुत सी प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं उस समय प्रतिज्ञा लेना काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जरूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुरोहित। कहते मंत्रियों में पुरोहित का स्थान बहुत ही ऊंचा होता था एवं प्रतिष्ठित था। जैसे हमने हर काल में पढ़ा है कि पुरोहित का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान एवं प्रतिष्ठित थी। वह राजा को धार्मिक तथा राजनीतिक मसलों पर सलाह भी देता था। शांति काल में वह राजा की समृद्धि व प्रगति के लिए यज्ञ तथा प्रार्थना करता था। युद्ध काल में वह भी राजा तथा सैनिक के जो है उत्साह वर्धन के लिए युद्ध भूमि में जाता था और युद्ध में विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता था। विश्वामित्र तथा वरिष्ठ ऋग्वैदिक काल के दो महान पुरोहित थे, विश्वामित्र और वरिष्ठ, जो कि ऋग्वैदिक काल के दो महान पुरोहित थे और काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सेनानानी। सेनानानी काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री पद सेनानी का था, जो कि सेनानायक के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्य कर्तव्य सेना में भर्ती करना और सेना में अनुशासन बनाए रखना तथा युद्ध काल में सेना का नेतृत्व करना व राजा के लिए विजय प्राप्त करना था। कहते शांति काल में वह अन्य कार्य भी करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। उसके पश्चात आता है ग्रामणी। ग्रामणीय गांव का मुखिया होता था, जो ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखता था और गांव में शांति व्यवस्था कायम रखता था। यानी वही बात हो गई कि जैसे आज के समय जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद, इसी प्रकार उस समय भी प्रावधान था। देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें कोई अंतर देखने को हमें नहीं मिलता। उसके पश्चात अन्य कर्मचारी भी थे। इन राज्य कर्मचारी के अलावा शप्स, पुरुष तथा दूत भी महत्वपूर्ण थे, जो राजा के प्रशासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने में सहायता करते थे। कहते सपस यानी जासूस, जासूसी कार्य करता था और राजा का सारे समाचार व जानकारी जो है पहुंचाता था। दूत राजा के संदेश एक अधिकार से दूसरे अधिकार तक पहुंचाता था और पुरुष राजा महल तथा दुर्ग की सुरक्षा भी देखता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। और ये सभी देखा जाए तो सभी अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायित्व थे। दूत के अलावा सूत यानी रथ हाँकने वाला, संग्रहात्री, विनय करने वाला, भाग दुग्धा, मुख्य राजस्व अधिकारी तथा अक्षपप यानी मुख्य लेखकार भी राजकाज में राजा की सहायता करता था। तो सबका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। देखा जाए उसके पश्चात आता है सभा तथा समिति। प्रशासन प्रणाली में राजा के अधीन दो प्रमुख परिषद थी, सभा और समिति। हालांकि सभा तथा समिति कार्य व शक्तियाँ कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। वेदों के कई अनुच्छेदों से पता चलता है कि सभा एवं समिति के हाथों में बहुत सारी शक्तियाँ थीं, जिसे वे राजा व स्वस्थ तरीके से नियंत्रण रख सकते थे। और इन परिषदों के हाथों में राजा की नियुक्ति करने का अधिकार भी था, और यदि राजा सही ढंग से कार्य नहीं करता था तो लोग उसके कार्य में संतुष्ट नहीं होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो राजा के अपदस्थ भी कर सकते थे, यानी अपदस्थ मतलब होता है पद से हटा देना, यानी पद से हटा भी सकते थे। इतिहासकारों ने सभा तथा समिति के चरित्र, संगठन तथा कर्तव्य के विषय में विभिन्न विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। यानी देखा जाए जो भी हो, सभा और समिति काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो राजा जैसे पद से जो है पद से निमुक्त कर सकती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ए बी कित के अनुसार सभा वह स्थान था जहाँ राजा बैठकर बैठक बुलाता था, जबकि समिति वह परिषद थी जो राजा के सलाह देती थी। कहते जीमर के अनुसार सभा व गांव के सभी व्यासकों के आम बैठक को कहते थे। यानी देखा जाए सभा एक गांव के सभी व्यासकों को आम बैठक को कहते थे, जबकि समिति जन के सभी लोगों के सामान्य सी परिषद थी। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सभा और परिषद जरूर आता है और ये एक नंबर में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहते लुडविग के अनुसार सभा वरिष्ठ के परिषद भी थे, जिसमें सभी अधिकारी व कबीले के प्रमुख सदस्य शामिल थे, जबकि समिति में कबीले के सभी लोग आते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि सभा के सदस्य हुए विद्वान और धनवान व्यक्ति थे, जिनके पास न्यायिक शक्तियाँ थी, और दूसरे ओर समिति राष्ट्रीय परिषद थी जो राजा या जाति की प्रतिनिधित्व करती थी तथा जिसका कार्य राजा का चुनाव करना था, देश की रक्षा करना था, देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी उस समय। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गणतंत्र। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ऋग्वैदिक काल में कई गणतंत्र थे, जिनके प्रमुख गणपति या जोग सात कहलाते थे। गणतंत्र का मतलब होता है गणपति या जोग सात, जो ऋग्वैदिक काल में कई गणतंत्र थे और ये महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय व्यवस्था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में राजा न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। सारे न्याय की प्रक्रिया जो था राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह यही सबसे
शक्तिशाली न्यायाधीश था तथा उसका फैसला ही अंतिम होता था, यानी वही सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश था तथा उसका फैसला ही अंतिम होता था। न्याय प्रदान करने में पुरोहित तथा ग्रामणीय राजा की सहायता करते थे। चोरी, धोखा देना, जुआ खेलना, हत्या करना, पशुधन चुराना आदि जनंदन अपराध माने जाते थे और इसके लिए राजा सजा के लिए प्रावधान भी किया हुआ था। सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़ना भी अपराध माना जाता था और ऐसा करने वाले लोगों को जो है दंड भी दिया जाता था। कहते मृत्यु दंड भी प्रचलन में था उस समय, लेकिन अधिकतर दंड गायों के रूप में जुर्माना भरने के लिए दिया जाता था, क्योंकि उस समय गाय एक बहुमूल्य वस्तु थी। इसलिए जो भी अपराध करता था उसको दंड के रूप में, गाय के रूप में जुर्माना भरने का प्रावधान था। ऋग्वेद में बंदी गृह का भी उल्लेख है, जहाँ पर जो है कैदियों को रखा जाता था। जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें कर्ज देने वाले का दास बनाकर रखना पड़ता था और स्वयं के निर्दोष साबित करने के लिए आग या पानी पर चलने जैसे प्रशिक्षण देने पड़ते थे। अब देखिए ये भी बात वही आ गई ना कि उस समय जो है मृत्युदंड का प्रावधान था और देखा जाए जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें कर्ज देने वाले का दास बनकर रहना पड़ता था, जैसे आज के समय में जो है बड़े बड़े कंपनियां करती हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको जो चर्चा कर चुका हूँ। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जो है दुखदायक परिस्थिति है, क्योंकि न तो उत्तर वैदिक काल में, न ऋग वैदिक काल में और न आधुनिक युग में ये जो है कर्ज देने वाले सुधरे हैं और सरकार भी इसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। पहले भी आपने देखा ही होगा फिल्मों में कि मरने के बाद भी उसका अंगूठा का निशान लगा के जमीन जायदाद जो है कर्ज में डुबा देती हैं, और आज भी जो है अदालत के नाम पर, NOC के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। लोग कहते हैं सरकार को इसको सोचना चाहिए कि सरकार आम लोगों से बनती है, सरकार स्वयं नहीं बन जाती है। जब आम लोगों को ऐसे ऐसे कंपनियाँ साहूकारों वाली चाल चलन चलेगी तो कौन सरकार को जो है बनाएगा और कौन सरकार को रखना पसंद करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, तो रूल रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो, भलाई की जगह लोगों की बुराई ना हो। आज मैंने कई लोगों से इस बात पे जो है एनालाइज किया है, सुना है कि आज फाइनेंस कंपनियां जो है बहुत बड़ी बड़ी धोखा देती है, तरह तरह के जो है हरकंडे अपनाती है। जब भी कोई सामान लेने जाओ, कोई फाइनेंस करवाओ, पहले तो आपको एक मोटी सी कॉपी दे देते हैं साइन करने के लिए। कुछ कहो पढ़ना है, नहीं नहीं समय नहीं है, हमारा दूसरा कस्टमर बैठा हुआ, फटाफट साइन कीजिए, डॉक्यूमेंट पूरा कीजिए। अरे भाई ये सब क्यों प्रलाप कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा गलती सरकार को मानता हूँ कि सरकार पारदर्शिता नहीं देखती है और सरकार को शायद नॉलेज नहीं है कि पुराने समय में भी जो ये साहूकार लूटते थे और आज फाइनेंस कंपनी भी इसी तरह के प्रबंध इस्तेमाल करके आम गरीबों को सता रही है। तो उस समय राजा का अंत हुआ था और आज देखा जाए तो आज यहाँ के प्रशासन का अंत होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्रूर हैं। क्योंकि जनता के लिए जब बने हो तो जनता की भलाई सोचो ना। मैं ये नहीं कहता जो प्रावधान हो कीजिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये क्या, अरे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खरीदा है, कुछ लिया है, सामान भी आप ले जाते हो, उसे डाउन पेमेंट भी करवाते हो, अब 50 किस्तों भी क्लियर करवा लेते हो, और जब 5-6-7 किस्त बच जाती है तो सामान को उठा के भी ले जाते हो, ऊपर से NOC के नाम पर धमकी भी देते हो, अदालत के भी नाम दरवाजे खटखटाते हो और साइन किया वो चीज़ों का भी धमकी दे। अरे भाई जब 50 पेज का आपका डॉक्यूमेंट होगा तो कौन हर एक शब्द पढ़ेगा, और शब्द भी कितने छोटे छोटे होते हैं। फिल्मों में भी इस बात का जो है बहुत ही बुरी तरह से इनको बताया गया, लेकिन कहते सरकार कभी सीखता ही नहीं इन चीज़ों से। सरकार को तो सिर्फ अपनी सरकार बनाने में उनको ध्यान रहता है, आम जनता की बात कहाँ देखती हैं। तो कहते हैं ये भी राजा ख़त्म हुए और इनकी शासन भी आज के आधुनिक युग में भी इनकी शासन जाने वाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सेना संगठन। देखिए सेना में दो भाग थे, एक पैदल था तथा एक रथ सेना था। आर्य पैदल जो है घोड़ों पर या रथों पर जो है युद्ध भूमि में लड़ते थे, और वे धनुष बाण, भाले, तलवार, कुल्हाड़ियाँ का प्रयोग करते थे, और वे कवच तथा ढाल का भी स्वयं को बचाने के लिए उपयोग किया करते थे। ये सभी हथियार लोहे के बने होते थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आर्य युद्ध में जाने से पूर्व योग यज्ञ करते थे तथा भगवान इंद्र के विजय प्राप्ति की वरदान भी मांगते थे। आर्य युद्ध के नियमों का पालन करते थे
और वो कभी भी सोते हुए या घायल शत्रु पर आक्रमण नहीं करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही आम जनता को कई हानि नहीं पहुंचाते थे, यानी देखा जाए तो आम जनता को किसी प्रकार का हानि पहुंचाने का प्रावधान इसमें नहीं था। राजा स्वयं युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करता था और राजा उसके मंत्री तथा अन्य जो राज कर्मचारी के राजरथों से लड़ते थे, जबकि सैनिक पैदल ही युद्ध किया करते थे। और इस तरह से ऋग्वैदिक काल में आर्य का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन साधारण ही था तथा उनकी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में विकसित किया। अंततः उनकी सभ्यता को उच्च विकसित सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने के विचार रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। देखिए दोस्तों, जितना आप शेयर कीजिएगा उतना त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा, और जितना आगे बढ़ेगा उतना आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करेगा। तो जितना आप सोचिएगा उतना मैं सोचूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे, तो जनरल सी बात है आपका भी भलाई होगा और त्रिपाण सेंटर का भी भलाई होगा। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए और हर बच्चे को जो है समझ आनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर में आप जो है लिखने के लिए बैठो तो आपकी अधूरी ज्ञान ना हो, आप किसी की तरफ जो है पीछे मुड़ के ना देखें, ना किसी के दिखाने के भरोसे में रहो। आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि पेपर में बैठने के बाद आपको हर एक टॉपिक जो है कहते हैं एक सिंपल कहानी की तरह याद रहे और आप फटाफट लिख सको। ये तब होगा जब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार समझोगे। कहते हैं करत करत अभ्यास है जन्मति होत सुजान, रसी आबत जात तो शिल्पे परत निशान। जब बार बार कोशिश कीजिएगा तो कामयाबी भी आपको कदम चूमेगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और तभी जो है आप अच्छे से जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो सोचिए नहीं, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।